हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। देखो, अब तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें दो तुम्हें बीएसटी प्रोवाइड करी गई है, राइट? ये बीएसटी और ये बीएसटी प्रोवाइड करी है, बाइनरी सर्च ट्री, राइट? अब हमें इसमें क्या करना है, हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिनका सम 16 के इक्वल हो। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो, मतलब जैसे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू दी हुई है, फर्स्ट वैल्यू इन सेंस कि हमारे पास जैसे 5 दिया हुआ है, ठीक है? अब 5, देखो 5 में क्या प्लस करोगे कि तुम्हारे पास 16 आए, 11 प्लस करोगे, ठीक है, कि 16 आ जाए, तो ये तुम्हारे पास एक पेयर बना। तो एक वैल्यू ऊपर वाली BST से, एक वैल्यू दूसरे वाली BST से निकालनी है, उनका सम करके देखना है कि क्या वो ये गिवन वैल्यू के इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, राइट? क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? और काउंट करना है कि ऐसे कितने पेयर्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, इसमें हम बनाते हैं सेट बनाते हैं, ठीक है? अब सेट का कैसे है, देखो सपोज तुमने एक सेट बना दिया, उसमें 5, 3, 2, ठीक है, ऐसे सारी चीजें ऐड ऑन कर दी हैं। अब सारी चीजें जब तुमने ऐड कर दी, अब तुम क्या करोगे, उसमें देखोगे कि क्या, अब क्या ये वैल्यू, अब तुम सेकेंड वाले में से शुरू करो, इसमें से देखो 16 - 10, क्या ये तुम्हारे सेट में है, ठीक है? 5 है, 5 तुम्हारे सेट में है, अगर है तो उसको क्या कर दो, काउंट कर लो, ठीक है? मतलब वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई काउंट की, पहले जो वैल्यू 0 थी, ठीक है? अच्छा, अब आगे देखो, अब तुम क्या करो, आगे जाओ 6 के पास, जाओ 6 के पास, देखो 16 - 6 = 10, क्या तुम्हारे ये सेट में है, ये पूरी वैल्यू सेट में जा रही थी ना, नहीं है, तो अब तुम इसको काउंट करोगे, ठीक है? फिर आगे जाओ 3 देखो, 16 - 3, क्या ये तुम्हारे सेट में है, नहीं है, ठीक है? तो ऐसे कर करके तुम्हें क्या है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तुम इस चीज को भी सेट में स्टोर कर लो, इस चीज को भी सेट में स्टोर कर लो, ठीक है? दोनों के अलग अलग सेट बना लो, सेट 1 और सेट 2, कुछ भी नाम दे दो इनको, ठीक है? सेट बना लो, अब एक सेट की वैल्यू देखो, अब जो वैल्यू तुम्हें चाहिए, क्यों मैं माइनस कर रही हूँ, देखो अब जब हमारे पास जैसे x1 + x2 16 के इक्वल होना चाहिए, हमारे पास अगर x1 की वैल्यू है जो कि तुम्हारे पास क्या है, 10 दी हुई है सपोज, ठीक है, x1 की वैल्यू है, तो x2 की वैल्यू कैसे आएगी तुम्हारे पास, माइनस ही करोगे, ठीक है, 16 - 10 नहीं करोगे, इसको उधर लेके जाओगे, इसीलिए हमने माइनस किया। वो चीज देखो दूसरे सेट में है या फिर नहीं है, अगर तो है तो काउंट प्लस प्लस कर दो, अगर नहीं है तो फिर ऐसे ही रहने दो, ठीक है? आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू, यहाँ तक तुम्हें समझ आई होगी। अब देखो इसका हम कोड देखते हैं, ठीक है, कोड को मैं जूम आउट कर देती हूँ, आई होप दिस इज विजिबल टू यू। अब देखो तुमने क्या बनाए, दो सेट बनाए, ठीक है, दो सेट हैश सेट बना लिए, ठीक है, उसको अलग अलग स्टोर कर दिया। अब इन्होंने कैसे स्टोर किया हुआ है, इन ऑर्डर में स्टोर किया हुआ है, ये तुम्हारे पास है, असल में ये है, ठीक है, इन ऑर्डर स्टोर किया, पहले लेफ्ट स्टोर किया, फिर राइट स्टोर किया, फिर रूट स्टोर की, इसलिए किया असेंडिंग ऑर्डर में कि तुम्हें ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, राइट? इन ऑर्डर में हमने क्या कर दिया, देखो तुम्हारे पास बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, हमेशा क्या होता है, जब लेफ्ट की तरफ जाते हो ना, ठीक है, तो वो क्या होता है, तुम्हारे पास छोटी वैल्यूज होती हैं, ठीक है, राइट की तरफ क्या होती है, बड़ी वैल्यूज होती हैं, तो हमने इसको वैसे वैल्यूज में स्टोर कर लिया हमने सेट में। अच्छा, अब फर्स्ट सेट में देखा कि हमारे पास लाइक हमने स्टोर कर ली फर्स्ट सेट में वैल्यू तुम्हारे पास, हम लेफ्ट के गए, ठीक है, पहले हमारे पास आया 2, हमने 2 स्टोर कर लिया, इसको इरेज कर देते हैं पहले, ठीक है, हमने स्टोर कर लिया पहले सेट में तुम्हारे पास 2 स्टोर कर लिया, ठीक है, ये हमारे पास सेट था, 2 स्टोर कर लिया, फिर हमारे पास हमने 3 स्टोर कर लिया, फिर 4, फिर 5, ठीक है, देन हमारे पास ऐसे करते करते हम स्टोर करते गए, अगले सेट में भी हमने ऐसे ही स्टोर कर लिया 3, 6, 10, ठीक है, हम ऐसे स्टोर करते करते फिर देखेंगे कि इसमें वैल्यूज हैं कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, देखो हम आइट्रेट करेंगे, फर्स्ट सेट में जो वैल्यूज हैं, सपोज फर्स्ट सेट में 5 थी, ठीक है, एंड सेकंड सेट में तुम्हारे पास अलग अलग वैल्यूज हैं, फर्स्ट सेट में 5 थी तो तुम्हें क्या चाहिए था, 16 - 5, देखो अगले सेट में है कि नहीं, ठीक है, ये चीज क्या की हुई है, माइनस की हुई है, राइट, माइनस की हुई है, तो अगले सेट में चेक करो वो है कि नहीं, अगर तो है तो उसको काउंट प्लस प्लस कर दो, ठीक है, पेयर्स एड ऑन कर दो, ठीक है, देन उसको वैल्यू को रिमूव कर दो कि वो फिर से काउंट ना हो तुम्हारे पास, ठीक है,
और देन वैल्यू को रिटर्न कर दो। सिंपल सा सोल्यूशन था। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। तुम्हें समझ आई होगी कैसे करना है। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम टू यू, प्लीज डिस्कस इन कमेंट सेक्शन। हरे कृष्णा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।